यातायात नियम तोड़ने पर अब पुलिस वाले भी नहीं बख्शे जाएंगे, उनका भी चालान काट कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। दरअसल शासन के दिशा निर्देश पर सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए परिवहन विभाग को अभियान चलाना है। इसी क्रम में मऊ जिले में परिवहन विभाग द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रति जागरूकता के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करते हुए पाया जा रहा है उसका चालान काट कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। नगर के वाल्मीकि एडम स्थित ढेकुलिया घाट किराए पर स्वयं परिवहन विभाग के अधिकारी कैकुसा खातून ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सैकड़ों वाहनों का चालान किया। दरअसल शासन के दिशा निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जो भी इस नियम का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है उसका चालान कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इसी के तहत कैकसा खातून ने बताया कि अगर पुलिस वाले भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए पाए जाते हैं तो उनका भी चालान कर जुर्माना वसूल किया जाएगा। नियम और कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे जो कोई भी हो, अगर यातायात नियम के विरुद्ध चलेगा तो उसका जुर्माना उसे वसूल किया जाएगा। शासन के निर्देश पर हर बुधवार को हेलमेट और सीट बेल्ट दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। उसी क्रम में हम लोग आज चालान कर रहे हैं। आज हमारा 100 चालान का लक्ष्य है। जो कि वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाए हैं और पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, यदि वो भी नहीं लगाए तो उन पर भी चालान हो रहा है। और जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, साथ में बैठने वाले भी, चालक के बगल में बैठने वाले भी यदि सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो उनका भी चालान हो रहा है। अभी तक 95 चालान हो चुके हैं, 100 चालान हमें लगे। डेली होने हैं या फिर हर बुधवार? मैम देखा जा रहा है कि पुलिस वाले भी विदाउट हेलमेट चल रहे हैं और विदाउट सीट बेल्ट चल रहे हैं, ऐसे में उन पर क्या क्या कोई कार्रवाई होगी आरटीओ की तरफ से? सबके लिए समान है, नियम तो सबके लिए समान है। अगर पुलिस वाले बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के चलेंगे तो उनको भी चलाना।